जा रहे हैं देवी तालाब मंदिर, प्रसाद ले लिए है, चुन्नी ले ली है, नारी ले ली। तो फ्रेंड्स हम लोग लाइन में लग गए हैं, हमारे दर्शन हो गए हैं। यो इट्स रजनी इनोवेटिव एंड स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे जहां इनोवेशन की भरमार। तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं देवी तालाब मंदिर जो जलंधर का फेमस मंदिर है, और अभी तक हम यहां पे जा नहीं पाए थे, कितने दिनों से सोच रहे थे कि वहां जाएं और बुलावा आ गया है तो अब तो जाना ही पड़ेगा। तो ये मंदिर बहुत ही अच्छा और हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं, और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप हमारे चेहरे पर वो चीज़ देख सकते हो, पर फिर भी हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है, तो काफ़ी सारा वही रास्ता था जो सिमिलर रास्ता था इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं। अभी देखो सूरज अभी बिल्कुल ही मेरे एकदम ही सामने है, बहुत ही गर्म गर्म हवा है, बट मैंने सोचा थोड़ा तो दिखाना बनता ही है। और हम जा रहे हैं देवी तालाब मंदिर, तो थोड़ा आपको इसके बारे में बता देती हूँ जो नहीं जानते हैं। तो ये जलंधर का बहुत ही बोलते फेमस प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पे सती जी का एक अंग जो था वो गिरा था, और वहाँ पे जब शिव जी के जो आंसू गिरे थे उससे वहाँ पे एक तालाब बना हुआ है, तो उस तालाब की ही परिक्रमा करते हैं वहाँ पे। और मैं भी पहली बार ही जा रही हूँ, बहुत दिनों से सोच रही थी कि जाना है जाना है जाना है, और आज मुझे मौका मिला इसका कि हम जा सकें वहाँ पर। तो यहाँ से मेरे घर से तो काफ़ी डिस्टेंस है, मतलब 14 किलोमीटर्स टाइप है। और रात में हम शाम में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ताकि वहाँ पे जो लाइटिंग्स हैं वो हम देख सकें, क्योंकि रात में बहुत ही सुंदर वहाँ पे लाइटिंग होती है। तो फिर देखिए मंदिर का ये जो ऊपर बोर्ड आ गया है, थोड़ा आगे चलो, आगे मैं बता रही हूँ, आगे चलो, पार्किंग देखना पड़ेगा ना बच्चा, पहले आगे तो चलो। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच तो गए इधर, यहाँ पे पार्किंग में अब गाड़ी हमें डालनी है, तो चलो यहाँ से चलते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ है। काफी सारी भीड़ भी लगी हुई है, बहुत सारी पब्लिक है भाई, वाह कितना अच्छा लग रहा है भाई, मुझे तो अभी से ही सूरज की रोशनी। इधर ही लो, नहीं नहीं आ सारी गाड़ियां हैं। तो फ्रेंड्स हमने इधर पीछे गाड़ी पार्क कर दी है, पार्किंग है यहाँ पर, फिर भी बहुत सारा क्लटर था, फिर भी हमने पार्क कर दिया यहाँ पर। और ये इस तरफ मंदिर है, अभी देखते हैं हम कि कैसे जाना है हमें। यहाँ पे क्या लिख रखा है, देवी तालाब अन्नपूर्णा हॉल, मतलब खाने वाने का है यहाँ पे, इस तरीके का दिख रहा है कुछ। तो चलो अभी देखते हैं कहाँ से एंट्री है। 50 रुपये में मिलता है यहाँ पे। अच्छा तो खाना तो बाद में देखेंगे, पहले जाएं दर्शन करें। ये है तालाब और वो देवी जी का मंदिर, ये तालाब। ये है एंट्री, यहीं से हमें जाना है देवी तालाब जी। ये देखिए और जो शिव जी का ना देखो स्टैचू बना हुआ है, और ये फाउंटेन है, पंखे भी लगे हुए हैं जो कि बहुत अच्छी बात है गर्मी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे भी तालाब है और इस तरफ भी तालाब है, और बीच में है मंदिर, हाँ बीच में भी रास्ता निकल रहा है। यहाँ पे दुकान है, यहाँ पे प्रसाद वगैरह सब कुछ मिलता है, तो हम पहले प्रसाद ले लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे देवी जी के पास। ये दुकान है यहाँ पर, देखिए
है मिठाई की दुकान। नहीं यही चलेगा यार, एक ही बात है। बूंदी ले लो, प्रसाद ले लिया है, चुन्नी ले ली है, नारी ले ली, मतलब जो भी मेरा मन किया वो मैंने सब चीजें ले ली है। तो चलो पहले दर्शन करते हैं। अब हम रेडी हैं अंदर जाने के लिए प्रसाद के साथ। पैर काफी ज्यादा जल रहे हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स हम लोग लाइन में लग गए हैं, ये है हमारी लाइन। मंदिर वहाँ बीच में है तो हम लोग लाइन में अभी लगे हुए हैं। अब देखते हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि अभी कोई ऐसा ओकेजन नहीं है मतलब देवी का, तो इस वजह से, वरना तो हमेशा इतनी भीड़ तो हमेशा ही लगी रहती है। और अभी गर्मी है तो ये भी एक रीज़न है। चारों तरफ बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं और तालाब, बीच में देवी का मंदिर है और चारों तरफ तालाब है, तो इस तरीके का कुछ है। अंदर तो शायद मोबाइल लेके नहीं जा सकते, पर जितना हो सकेगा मैं आपको दिखाऊंगी इस जगह की। ना एक अलग ही वाइब आ रही है, एक बहुत ही प्यारी सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि पानी जहाँ पे होता है ना वहाँ पे एक अलग फीलिंग होती है। पता नहीं वो शूट करने के लिए अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, पर चलिए चलते हैं। ये कुछ ऐसा है, दर्शन हो गए हैं। एक सेक्टर में एक मंदिर है तो वहाँ पर हो गए और चारों तरफ बहुत सारे मंदिर हैं, तो अब चलो चलते हैं। यहाँ पे भी हमें दिखाई देता तो हम दर्शन करेंगे। इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैंने छोटे भी आकर अगर आपने दर्शन नहीं की, गर्मी तो है यार, गर्मी का क्या कर सकते हैं, बट फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं है यार, ठीक है, चल गया है, इसने छुट्टी मांग ली है। तो यहाँ पे भी एक मंदिर है, ये है त्रिपुर मालिनी दरबार, तो चलो अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी अंदर हम लोग इस मंदिर के दर्शन करके आए और यहाँ पे बाहर ये देखिए बहुत ठंडे हैं, मेरे को नहीं पता चल रहा था कि ये लेना है, बट चलो कोई नहीं। और यहाँ पे हम दीपक जला सकते हैं। यहाँ पर हम लोग दीपक जला सकते हैं, इतना सुंदर लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। काली मंदिर है, अब हम इसमें जा रहे हैं, तो अंदर का मुझे नहीं पता, बट मैं जितना दिखा सकती हूँ दिखाऊंगी। यार इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा। ये जो जोत जली हुई है ना, इतना ज़्यादा सुंदर लगता है मुझे ये।
हम लोगों ने बहुत सारे यहाँ पे मंदिर थे, सभी के दर्शन किए हैं। अभी आरती हुई है तो आरती भी हमने अटेंड कर ली है और अब हो गई है रात। और यार जो हवा चल रही है ना, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मतलब अभी तो लग नहीं रहा कि यहाँ से जाएं, चारों तरफ आप देख ही रहे हो, चारों तरफ बहुत ही पॉजिटिव वाइब है बहुत ज़्यादा। और मैं और मेरी बेटी यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, अच्छा लग रहा है अभी के लिए तो, बट अब हम थोड़ी देर में हमसे निकलेंगे, देखते हैं क्योंकि कितने देर जाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा घर। तो वाह, मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे से हुए, आपको भी हमने थोड़ा दिखाया जो भी हम दिखा सकते थे। तो चलो अब चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बजरंग बली है, ये देखिए वो साक्षात बजरंग बली यहाँ पर। और यहाँ पर है राम जी का मंदिर, इतना सुंदर नज़ारा है ना ये कि अंदर से ना बहुत ही फ्रेंड्स ये बिल्कुल वैष्णो देवी जी की गुफा की जैसी है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ लगी हुई है, तो चलो इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा है, जैसा वैष्णो देवी का था वैसा ही। और भीड़ देखिए कितनी है। तो अब हम इस गुफा के अंदर जा रहे हैं। ये गुफा है वैष्णो देवी गुफा, जिसके अंदर जाना है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये पूरा लंगर हॉल है यहाँ का, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे प्लेट्स वगैरह दे रखी हैं। काफ़ी बड़ा हॉल है ये, यहाँ पे लोग खा पी रहे हैं। वहाँ पर है, हम पहले प्लेट्स ले लेते हैं क्योंकि ये प्रसाद खाने का मन कर रहा है कि चलो। तो फ्रेंड्स ये प्रसाद मिला है हमें, रोटी सब्जी चावल लंगर है, दाल सब कुछ मिला है। तो हम लेके बैठे क्योंकि प्रसाद खाने का बहुत मन था हमारा। पे देखिए यहाँ अमरनाथ गुफा का द्वार बना रखा है और इस तरीके से यहाँ पर पूरी चढ़ाई, मतलब आप जो भी कहो कॉफी जैसा पूरा कर रखा है, पूरी चढ़ाई है ये। लाइट की वजह से प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है, तो पूरा जिस तरीके से उन्होंने वैष्णो देवी का गुफा बना रखा है वैसा ही यहाँ पे अमरनाथ का पूरा लुक दे रखा है बाहर की तरफ से, और लोग चढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर देखिए ऊपर।
भाग में चल गई थी वो, तब उन्होंने पूरी तपस्या की कि मुझे तो यही पति चाहिए। ये देखो ये तपस्या, मतलब उसी जगह पे वापस आ गए और बादल कड़की हुए, मजा आएगा, बारिश होने वाली है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सारा का सारा प्रबंध कर रखा है बच्चों का, सारे के सारे झूले हैं यहाँ पर ताकि बच्चे इसके बाद रात में जब आए तो झूल वूल भी सकें। ये देखिए कुछ ही, वैसे ज़्यादा पब्लिक तो नहीं दिखाई दे रही है, बट यस बच्चे झूल रहे क्योंकि बच्चों को तो ऐसी चीज़ें चाहिए ही। तो सोचो हमने लंगर खाया, इतने सारे मंदिरों के दर्शन किए, मज़ा ही आ गया हमें। तो चलो अब चलते हैं, घर जाने का वक्त आ चुका है, रात हो चुकी है काफ़ी। देखिए रात हो गई है और ये देवी तालाब मंदिर रात में इतना सुंदर दिख रहा है और पानी में पता नहीं क्यों इतनी हलचल हो गई है बारिश की, और पता है बारिश भी हो रही है, सबसे अच्छी बात तो ये है बारिश हो रही है, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और आकाश तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस पर बूंदे के लाइट में पता चल रही है थोड़ी बहुत बूंदे, और यार क्या हवा चल रही है, आप देख सकते हो इस फ्लैग को उड़ते हुए, क्योंकि हवा को हम ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इतनी अच्छी वाइब आ रही है माँ के दरबार में आके। A few moments later. फ्रेंड्स हम लोग कार में बैठे क्योंकि हम वहाँ बहुत सारा घूम रहे थे, फोटो वोटो खिंचवा रहे थे, लास्ट में निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, बट हम लोग निकले क्योंकि इतनी तेज बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज पे हमने सोचा कि नहीं नहीं अब निकलना चाहिए, क्योंकि वहाँ रुक के भी कोई फायदा नहीं था। तो हम लोग निकल गए हैं, बारिश बहुत तेज हो रही थी, मतलब बिजली इतनी ज्यादा कड़क रही थी, इतनी हवा चल रही थी, मजा बहुत आया वो सब, बट घर पहुंचना जरूरी था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से किसी और अच्छे व्लॉग में, तो अब तक तब तक के लिए बाय बाय।